हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालसी बावर्ची खाना। तो आज हम बनाएंगे स्मॉल फिश करी। ये रोहू फिश है। रोहू फिश खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। स्मॉल रोहू फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 kg रोहू फिश, 2 tablespoon पोस्ता दाने। पोस्ता दाने को मैं 10 मिनट के लिए पानी में सोख करके रख दूँगी। जिन चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है वो है 2 medium size के प्याज, 4 सूखी लाल मिर्च, 1/4 teaspoon नमक और 2 tablespoon पोस्ता दाने, कुछ सूखे मसाले, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 1.5 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 teaspoon नॉर्मल रेड चिली पाउडर। अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्मॉल रोहू फिश करी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करते हैं। फिश को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 teaspoon नमक। अब मछली को मसालों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। मछली को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके मछली डाल देते हैं। एक तरफ जब फिश पक जाए तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी पका लेंगे। इसी तरीके से बाकी मछली को भी तलकर निकाल लेंगे। फिश फ्राई हो चुकी है, अब उसी बचे तेल में हम मछली की ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पोस्ता और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दूंगी और इसको 2 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। मसाले भून चुके हैं, अब मैं इसमें 1/2 glass के लगभग पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें 1 glass पानी और डाल देंगे। अब अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दें। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ। 1/2 pattee को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ग्रेवी बॉईल होने लगे तब हम इसमें एक एक करके फ्राइड फिश को ऐड कर देंगे। पाँच से छः मिनट तक मछलियों के साथ इसको बॉईल होने देंगे। स्मॉल रोहू फिश करी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग जाए तो इसे शेयर भी कर दें। वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।